नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट जो समय समय पे हमारे द्वारा आपको दी जाती है। और आज की वीडियो है एक और नई चीज़ के ऊपर, जो अक्सर जो हमारे पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, चाहे व्हाट्सएप हो चाहे कमेंट्स हो, वहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इस चीज़ को लेके पूछे जाते हैं कि फिजिकल एजुकेशन की बेस्ट बुक कौन सी है, या फलां एग्ज़ाम के लिए, फलां स्टेट के कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए, फलां स्टेट के गवर्नमेंट टीचर के एग्ज़ाम के लिए, फलां स्टेट के फिजिकल एजुकेशन टीचर एग्ज़ाम के लिए कौन सी फिजिकल एजुकेशन की बेस्ट बुक है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अब हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको अलग अलग बुक्स का रिव्यू दिया जाएगा कि फला बुक नई मार्केट में आई है तो उसमें क्या चीज़ अलग है, या उसमें किस प्रकार की कमियां हो सकती हैं जो हमें लगेगा वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो किसी भी राइटर की बुक हो। और कोशिश रहेगी अपडेटेड जो भी चीज़ें आएंगी वो सारी मैं जो है आपको बता पाऊँ, मतलब कोई नया एडिशन आता है या उसका जो ओल्ड वर्जन है उनमें से कौन सा बेटर है, नए वर्जन में क्या चीज़ ऐड हुई, सारी चीज़ों को अब वन बाय वन करके हर बुक के बारे में आपको रिव्यू दिया जाएगा। और ये सीरीज हमारी इसी वीक से शुरू होनी है और हम कोशिश करेंगे जल्द ही आपको, चाहे वो 11th 12th की फिजिकल एजुकेशन की बुक क्यों ना हो, हर बुक का रिव्यू आपको दिया जाएगा। और ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ये आप अगर इस बुक को आप बाई करते हो तो ये क्या आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, या इसमें से क्या चीज़ आप पढ़ पाओगे, वो सारी चीज़ आपको जो है अब फिजिकल एजुकेशन बुक्स का जो रिव्यू होगा उसमें देखने को मिलेगी। और वहाँ पे आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन सी बुक में क्या चीज़ बेटर है, कौन सी बुक से कौन सा टॉपिक आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कौन सी बुक में बेस्ट हैं, या आपके पास पहले से बुक है और दोबारा से कोई नई बुक आती है तो उसका आप उसके साथ भी उसको कोरिलेट कर सकते हो, भाई आपके पास ऑलरेडी ये बुक है तो नई बुक खरीदने की क्या जरूरत है। तो इस प्रकार से आपको एक कंक्लूजन दिया जाएगा, उसमें हर नई बुक के ऊपर आपको एक रिव्यू मिलेगा जो भी मार्केट में आएगी, या आप की कोई बुक खरीदना चाहते हो तो उसका नाम हमें भी बता सकते हो, हम भी उसका जो है रिव्यू कर सकते हैं, उसके ऊपर रिव्यू के लिए वीडियो बना सकते हैं कि भाई आप इस बुक को खरीदेंगे तो इसके अंदर क्या क्या नहीं। अगर आपके पास कोई अच्छी बुक है तो वो भी बता सकते हैं आप हमें, कमेंट में भी बता सकते हैं ताकि लोगों तक उस बुक को पहुँचा पाएँ। इसके साथ साथ जो बीपीएड और एमपीएड का सिलेबस होता है वो भी बताने की कोशिश की जाएगी कि उस में जो टॉपिक्स होते हैं उन टॉपिक्स को आप किस बुक में कवर कर सकते हैं, साथ ही साथ ये भी आपको बताया जाएगा जब किसी बुक का रिव्यू किया जाएगा तो उसमें ये भी बताया जाएगा कि बीपीएड और एमपीएड का ये टॉपिक भी इस बुक में है तो आप वो चीज़ भी वहाँ से कवर अप कर सकते हैं। तो ये पूरी सीरीज चलने वाली है हमारी, और इसमें जितनी भी बुक्स होंगी खास करके इंडियन राइटर्स की बुक्स को कवर किया जाएगा। और कोशिश रहेगी जो लाइब्रेरी हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की, वहाँ पे जो फॉरेन राइटर्स की बुक रखी गई हैं फिजिकल एजुकेशन की, उसके ऊपर भी मैं आपको रिव्यू दे पाऊँ, जिससे आप भी यूनिवर्सिटी से बुक निकलवा के उसकी फ़ोटो कॉपी करवा के उसको पढ़ के अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं। या आप शौक रखते हैं भाई आपके पास फिजिकल एजुकेशन की बहुत सारी बुक्स हों तो भी आप उनको बाई करके रख सकते हैं, पता नहीं कब कौन सी बुक से किस प्रकार का टॉपिक आपको देखने को मिल जाए, तो कौन सा टॉपिक आपका किस प्रकार से आपकी हेल्प कर दे। तो ये है भाई सारा कंक्लूजन जो बता दिया, इस सीरीज में हमारा रहने वाला है। और ये पूरी सीरीज आपको अगर अच्छी लगने वाली तो इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं, और जल्द ही फर्स्ट बुक का रिव्यू आपके लिए मैं लेके आने वाला हूँ। इससे पहले हालांकि एक बुक का ऑलरेडी मैं रिव्यू दे चुका हूँ आपको, फिजिकल एजुकेशन यूनिवर्स करके, तो उसको भी कुल मिला के अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, तो वो ओवरऑल बुक अच्छी थी उसके ऊपर मैंने जैसा बताया, और जब लोगों ने उसको बाई किया तो लोगों को रियल में ये लगा कि बेटर बुक है ये, ठीक है। तो अब जो है धीरे धीरे हम वन बाय वन करके हर बुक के ऊपर हर वीक में आपको रिव्यू देने वाले हैं भाई, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी भाई, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो या ये सीरीज़ अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तीन लिंक है, तीनों के द्वारा आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं भाई, ठीक है, जो भी आपका मन करे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही भाई, वीडियो को आपने लास्ट तक देखा इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।